तो 2000 के जो नेकबैंड्स होते हैं वो एकदम परफेक्ट नेकबैंड्स होते हैं। उनमें आपको कॉलिंग क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, ईएनसी का फीचर तो मिलता ही है, साथ में बेस्ट ऑडियो क्वालिटी के साथ उसमें आपको लगभग सब कुछ ही अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड आज भी हमने कुछ ऐसे ही अमेजिंग नेकबैंड सिलेक्ट किए हैं। क्या है, कौन से नेकबैंड्स हैं, जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। सो सबसे पहला नेकबैंड आपको बोट की तरफ से मिल जाता है, ये है बोट रॉकर्स 330 ANC। इसको मैंने अपने लिस्ट में इसकी ANC फीचर एंड इसकी साउंड क्वालिटी के लिए रखा है। करेंटली ये आपको 1700 का देखने को मिल जाएगा। ये नेकबैंड आपको प्लास्टिक फिनिशिंग में देखने को मिलता है, बट सिलिकॉन इसका काफी फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल है, तो आपको बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। यहाँ पर आपको इसके कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं एंड इसके भी अंदर आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स दिए गए हैं। वहीं यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 13 mm के ड्राइवर्स दिए गए, 25 डेसिबल्स तक की ANC को ये सपोर्ट करता है। ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। डुअल पेयरिंग मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग दी गई है एंड इन सबके साथ टोटल ये आपको 24 आवर्स का प्ले टाइम निकाल कर दे देगा। बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो इसमें आपको लाउडनेस तो काफी अच्छी मिल जाती है, साथ में इसके वोकल्स भी एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं, बेस एंड ट्रबल्स भी आपको प्रॉपर मिल जाते हैं एंड इसका ANC फीचर भी काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है एंड कॉलिंग में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा एंड वैल्यू फॉर मनी नेकबैंड है, आप इसको एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगले जो नेकबैंड है वो अगेन आपको बोट की तरफ से ही मिल जाते हैं, ये है बोट रॉकर्स 255 Pro Plus। अब ये जो नेकबैंड है ना काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसका अंदाजा आप इसके पॉपुलैरिटी देखकर भी लगा सकते हो। 180,000 लोगों ने इसको बस रेटिंग्स दी है। ये नेकबैंड काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ भी आता है, साथ में इस नेकबैंड के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 10 mm के ड्राइवर्स दिए गए, SVC एंड AAC दोनों ऑडियो कोडे का सपोर्ट दिया गया है। डुअल पेयरिंग मिल जाती है, IPX7 की रेटिंग दी गई है। वॉइस असिस्टेंट ब्लूटूथ कंट्रोल्स के साथ ये आपको 60 आवर्स का प्ले टाइम भी निकाल कर दे देगा एंड 20 मिनट्स के चार्ज पर ये आपको 4 आवर्स का प्ले टाइम निकाल कर दे देगा। एंड बात करूं इसकी साउंड एंड कॉलिंग क्वालिटी की, तो इस नेकबैंड में आपको काफी अच्छा बेस दिया गया, वोकल्स काफी क्लियर सुनाई देते हैं एंड लाउडनेस भी आपको प्रॉपर मिल जाती है एंड कॉलिंग में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप इसको एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हाँ, अगर आप भी अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर से कर लेना, ठीक है, समझिया। नेक्स्ट नेकबैंड की तरफ बढ़ते हैं, ये आपको रियलमी की तरफ से मिल जाता है, ये है रियलमी बड्स वायरलेस 3। अब ये जो नेकबैंड है ना अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड काफी अच्छा साउंड आउटपुट ये आपको प्रोवाइड कर देता है। करंटली ये आपको 1700 का देखने को मिल जाएगा। ये नेकबैंड डिजाइन वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा है, ऑल्दो ये प्लास्टिक में ही आता है पर काफी अच्छा प्लास्टिक यूज किया है इन्होंने। एंड इस नेकबैंड में आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाता है, जो कि यार औरों में तो मिसिंग थी। बाकी इस नेकबैंड में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 13.6 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, गूगल फास्ट पेयरिंग दी गई है, डुअल पेयरिंग को भी ये सपोर्ट करता है, IP55 की रेटिंग दी गई, ANC मिल जाती है 30 decibels तक एंड इन सबके साथ ये आपको 40 आवर्स का प्ले टाइम भी निकाल कर दे देगा एंड फास्ट चार्जिंग भी है। और उसी के साथ बात करूं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो यार इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। लाउडनेस भी आपको सही मिल जाती है, वोकल्स भी काफी सही है एंड ट्रबल्स भी काफी अच्छे दिए गए एंड आप अपने हिसाब से भी इसकी साउंड आउटपुट को कस्टमाइज कर सकते हो। और तो और इसको 66,000 लोगों ने रेटिंग्स भी दे रखी है, तो इसकी पॉपुलैरिटी का भी आप अंदाजा लगा ही सकते हो। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा नेकबैंड है, इसको आप आराम से बाय कर सकते हो। इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट नेकबैंड आ जाता है ओप्पो की तरफ से, ये है ओप्पो एनको M32। अब आई नो ये थोड़ा सा पुराना नेकबैंड है बट स्टिल काफी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। वैसे ये करंटली आपको 1600 का मिल जाएगा एंड इसकी डिजाइन भी काफी अच्छी दी गई है, साथ में ये नेकबैंड आपको कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिल जाता है, पर अगेन काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया है। बाकी साइड में आपको कंट्रोल बटन्स मिल जाएंगे एंड उसी के साथ इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, डुअल पेडिंग दी गई है, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाएगा, IP55 की रेटिंग मिल जाएगी एंड इन सब के साथ टोटल ये आपको 28 आवर्स का प्ले टाइम भी निकाल कर दे देगा एंड फास्ट चार्जिंग भी है। बाकी यहाँ पर आपको इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, इसमें आपको बेस एकदम बूस्टेड मिल जाता है, ट्रबल्स काफी अच्छे, वोकल्स काफी क्लियर सुनाई देते हैं एंड इसका इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है। और तो इसमें आपको लाउडनेस भी प्रॉपर दी गई है, अगर आप फुल वॉल्यूम पे भी सुनते हो तो आपको कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होगा, तो साउंड क्वालिटी तो इसकी भी काफी अच्छी है। बाकी कॉलिंग में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो हाँ इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट नेकबैंड आपको OnePlus की तरफ से मिल जाता है, ये है OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z2 ANC। ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग नेकबैंड है, 152,000 लोगों ने इसको रेटिंग्स भी दे रखी है, तो आप इसकी भी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा ही सकते हो कि कैसा नेकबैंड है। करंटली ये आपको 2200 का देखने को मिल जाएगा। इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है एंड इस नेकबैंड में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, 12.4 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर दिया गया है, डुअल पेयरिंग को ये सपोर्ट करता है, ANC भी मिल जाती है अप टू 45 डेसिबल्स तक की, IP55 की रेटिंग दी गई एंड इन सब के साथ ये आपको 28 आवर्स का प्ले टाइम भी निकाल कर दे देगा। वहीं बात करूं इसकी साउंड एंड कॉलिंग क्वालिटी की, तो ये नेकबैंड बेस लवर्स
आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। इसमें आपको एकदम बेस बूस्टर मिल जाता है, बाकी अगेन आपके मूड के हिसाब से यहाँ पर आपको चार मोड्स भी मिल जाते हैं। बट इसका सबसे अच्छा आउटपुट इसके बैलेंस मोड में निकल कर आता है, एंड कॉलिंग में भी AI नॉइस कैंसिलेशन है तो वो भी काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ओवरऑल काफी अच्छा नेकबैंड है साउंड क्वालिटी के मामले में, तो मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड रहेगा, आप इसको एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये रहे बेस्ट नेकबैंड्स अंडर 2024। आप इन सभी में से कोई सा नेकबैंड ले सकते हो, ये सभी नेकबैंड्स बेस्ट है। पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी तरफ से आपको OnePlus Bullet Z2 ANC एंड Realme Buds Wireless 3 हाईली रिकमेंडेड रहेंगे। बाकी आप कौन सा नेकबैंड ले रहे हो मुझे कमेंट्स में जरूर से बता देना। तब तक के लिए ये वीडियोस आप देख सकते हो।